तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन की बैटरी बहुत कम समय तक चलती है, यानी कि अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो बहुत कम समय तक चलती है, बैटरी ज़्यादा टिकता नहीं है, ठीक है, तो आप उसे कैसे बैटरी का पावर इंक्रीज बढ़ा सकते हैं, यानी कि बैटरी की रोकने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। कुछ ऐसे सेटिंग बताएंगे जिसको आपको इनेबल करते ही बैटरी ज़्यादा टिकने लगेगी और बैटरी की क्षमता जो है बढ़ जाएगी और नेटवर्क की स्पीड भी उसके साथ फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है गाइज, जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा सिंपली उसी प्रोसेस को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे तो वहाँ लिखा हुआ एडिशनल सेटिंग, ठीक है, हर एक फोन में दिया रहता है एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे दिया रहता है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो एक्सेसिबिलिटी यहाँ से भी दिया रहता है और बहुत से लोगों में एडिशनल सेटिंग के बाहर भी एक्सेसिबिलिटी दिया रहता है, ठीक है। तो मेरा एडिशनल सेटिंग के अंदर दिया हुआ एक्सेसिबिलिटी, तो क्या करेंगे इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको विजियन पे आ जाना है, ठीक है। जैसे विजियन पे आएंगे, मैं आप लोगों को ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इनेबल करते ही आपके फ़ोन की बैटरी जो है ज़्यादा टिकने लगेंगी। तो करना क्या है, यहाँ पे रिमूव एनिमेशन लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा जिसको आप इनेबल करेंगे तो आपकी फ़ोन की बैटरी ज़्यादा टिकेगी और जो है नेटवर्क स्पीड भी फास्ट हो जाएगा। तो करना क्या, यहाँ पे रिमूव एनिमेशन लिखा हुआ है, इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल कर देंगे तो आपके फ़ोन में जितना भी इधर उधर का चीज़ रहेगा, यानी कि एनिमेशन रहेगा, तो सारा एनिमेशन जो है रिमूव हो जाएगा और जैसे रिमूव हो जाएगा तो आपके फ़ोन की बैटरी में जो है कम प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कम लोड पड़ेगा, तो आपके फ़ोन की बैटरी जो है ज़्यादा समय तक टिकेगी। फर्स्ट सेटिंग ये रहा। उसके बाद और भी सेटिंग आप लोग को मैं इंपॉर्टेंट सेटिंग बता रहा हूँ। करना क्या है, बैक आना है और बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हूँ, यहाँ पे बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पे देख सकते हूँ लिखा हुआ अबाउट फोन। तो करना क्या है, अबाउट फोन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अगर आपका डेवलपर सेटिंग ऑन नहीं रहेगा तो डेवलपर सेटिंग ऑन कर लेना है। कैसे ऑन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है MI वर्जन फॉर पोको, मेरा पोको का फोन है, इस पर क्या करना, 5-7 बार क्लिक करते ही रहना। जैसे 5-7 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेवलपर सेटिंग ऑन लिख देगा, तो मेरा ऑलरेडी जो है डेवलपर सेटिंग ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑन हो जाएगा आपका, तो करना क्या, बैक आना है, मेरा डेवलपर सेटिंग जो है ऑन है। ऑन होने के बाद करना क्या, यहाँ पे बैक आना, बैक आने के बाद देख सकते हूँ यहाँ पे नीचे एडिशनल सेटिंग लिखा हुआ, और जैसे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हूँ नीचे आप लोग को आना है, यहाँ पे लिखा आ गया डेवलपर ऑप्शंस, ठीक है। तो करना क्या, डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है। जैसे डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसको ये इनेबल रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये डेवलपर सेटिंग ऑन कर लेंगे तो इनेबल रहेगा ही। तो करना क्या, जैसे इनेबल रहेगा तो करना क्या, नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है वाईफाई स्कैनिंग थ्रोटलिंग, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस बैटरी ड्रेन इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। अगर आपका बैटरी कम टिकता है तभी भी सॉल्व हो जाएगा इसको इनेबल करते ही, और आपका नेटवर्क स्पीड जो है फास्ट हो जाएगा, यानी कि इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, यानी कि नेटवर्क भी आपका फास्ट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे इसको इनेबल कर लेंगे तो करना क्या है, बैक आना है, और भी एक भी और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। करना क्या है, बैक आना है, बैक आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो वहीं नीचे लिखा हुआ है लोकेशन, ठीक है। लोकेशन पर क्लिक करना है और जैसे लोकेशन पर क्लिक कर लेंगे तो आज यहाँ पे देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है लोकेशन सर्विसेज, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है वाईफाई स्कैनिंग, ठीक है। वाईफाई स्कैनिंग है तो इसको भी क्या कर लीजिएगा, ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्लूटूथ स्कैनिंग है, इसको भी ऑफ कर लीजिएगा, जब इसकी ज़रूरत आएगी तब जो है इसको ऑन कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपका ये वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग ऑन रहता है तो ये आपके बैकग्राउंड में जो है ये सारी चीज़ें शो होती रहती हैं और इसके लिए भी आपका बैटरी का जो है चार्ज खत्म होता है। सारा जितना भी बैकग्राउंड में ओपन करके रखे रहेंगे सभी एप्लीकेशन जो है चार्ज खींचते हैं थोड़ा बहुत। तो गाइस ऐसी टेक्स रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।